नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईपीएल से जुड़ी एक और खास वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब टीम के बारे में। जी हाँ, पंजाब टीम की बात करें तो इनका एक 11वां मुकाबला आज कोलकाता के खिलाफ है, और वहीं अगर हम कोलकाता टीम की बात करें तो उनका भी 11वां मुकाबला आज पंजाब टीम के खिलाफ है। आप सभी लोग को बता दें, दोनों ही टीमें पॉइंट टेबल में अभी भी बनी हुई हैं। अगर हम दोनों टीमों की बात करें तो अभी भी वो क्वालिफाई कर सकती हैं ऊपर की टीमें अगर हारेंगी। हालाँकि आप सभी लोग को बता दें, पंजाब टीम के पास सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि आरसीबी, इसके अलावा देखिए तो राजस्थान और मुंबई इंडियंस, इन तीनों ही टीमों का 10 मुकाबलों में 10 अंक है। जी हाँ, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पंजाब टीम के फैंस को यहाँ पर खुश होना चाहिए कि कल का मुकाबला राजस्थान भी हार गई हैदराबाद से और लखनऊ भी हार गई गुजरात टाइटन से, उसके पहले आरसीबी और मुंबई इंडियंस भी हार गई। अगर ये तीनों टीमें जीत जाती तो शायद ये 12 अंकों पर पहुँच जाती और पंजाब टीम की मुश्किलें बढ़ जाती। हालाँकि पंजाब की टीम अगर कोलकाता को हराती है तो ये 12 अंकों पर जाती, लेकिन 11 मुकाबलों में 12 अंकों पे जाती और वो टीमें 10 ही मुकाबलों में 12 अंकों पे पहुंच जाती। तो कहीं ना कहीं अभी भी हम देखिए तो कौन सी चार टीमें हैं, कुछ भी फिक्स नहीं है। हाँ, गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग को छोड़ दें तो दो टीमें कौन सी पिक होंगी टॉप फोर के लिए, ये हमें आगे चलकर पता चल जाएगा। लेकिन आज का मुकाबला पंजाब टीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उतना ही इंपॉर्टेंट है कोलकाता टीम के लिए। कोलकाता की टीम अपने होम ग्राउंड पर ये मुकाबला खेलेगी, उनको ज़्यादा एडवांटेज रहेगा और उनके स्पिनर्स इस मुकाबले में हो सकता है चल सकते हैं। रही बात पंजाब टीम की, तो यहाँ पर हो सकता है भानुकराज विपक्षे या सिकंदर रजा खेले प्लेइंग 11 में। सिकंदर रजा खेलते हैं तो एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे, जो कि यहाँ पर पंजाब की टीम जरूर करना चाहेगी। हालांकि राजपक्षा भी आते हैं तो इसे बैटिंग में डेप्थ बढ़ेगा, स्पिन को भी अच्छा खेल सकते हैं, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो मैथ्यू शॉट स्पिन खेलने में फंसते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको इस मुकाबले से पंजाब की टीम हो सकता है बाहर करेगी। बाकी इसके अलावा अगर हम पंजाब टीम के प्लेइंग 11 की बात करें तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को कल बता ही दिया था, टॉप ऑर्डर में शिखर धवन, प्रभ सिमरन सिंह खेलेंगे, नंबर 3 पर राजपक्षा खेल सकते हैं या मैथ्यू शॉट के तो खेलने के चांसेस बहुत ही कम है, अथर्व टाइडे खेलेंगे। अगर अथर्व टाइडे नंबर 3 पर खेलते हैं फिर तो यहाँ पर सिकंदर रजा की टीम में वापसी हो जाएगी। अगर राजपक्षा खेलते हैं तब 4 नंबर पर लियाम लिविंगस्टन खेलेंगे, 5 पर इसके अलावा जितेंद्र शर्मा, 6 पर सैम करन, 7 पर शाहरुख खान खेलेंगे, 8 पर हरप्रीत ब्रार, 9 पर कगिसो रबाड़ा या नितिन एजेंस को ये खेलेगा, 10 पर राहुल चहर और 11 पर हरदीप सिंह। ये होगी पंजाब टीम की प्लेइंग 11। यहाँ पर आप सभी लोग को बता दें, जो कल का मुकाबला था राजस्थान और हैदराबाद का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला था। राजस्थान की टीम अभी भी 10 अंकों पर है, लेकिन उनका रन रेट अभी प्लस में है, जिसके वजह से वो आरसीबी, मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के एक कदम आगे दिख रही है। हालांकि कल का मुकाबला अगर वो जीतती तो कहीं ना कहीं पंजाब टीम की मुश्किलें बढ़ जाती। बाकी इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बना रहा क्योंकि कुछ ज़्यादा बड़ी अपडेट्स नहीं आई हैं। जहाँ तक भानुकराज विपक्षे, हो सकता है वापसी करें क्योंकि उन्होंने नेट सेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की, इसी के चलते मैं आप सभी लोग को बता रहा हूँ। तो आपकी क्या राय इसके ऊपर बताना हमें कमेंट सेक्शन में, क्या राजपक्ष खेलना चाहिए और कौन से खिलाड़ी आज टॉप स्कोरर होंगे पंजाब टीम के लिए और कौन सा गेंदबाज हाईएस्ट विकेट टेकर हो सकता है आज के मुकाबले में केकेआर के खिलाफ, इसके ऊपर आप लोग अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बेशक बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।